हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान के जाने माने सिंगर जुनेद जमशेद पीआईए एयरलाइन में टिकट खरीदते हैं इस्लामाबाद जाने के लिए, लेकिन ये प्लेन कभी इस्लामाबाद पहुंच ही नहीं पाता। उड़ान के तुरंत बाद इस प्लेन में कुछ ऐसा हो जाता है कि जुनेद के साथ साथ सभी 47 लोग मारे जाते हैं। प्लेन का मलबा 2-3 किलोमीटर दूर तक बिखर जाता है। ये हादसा 2016 में हुआ था, पर आज तक भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या और कैसे हुआ। तो आइए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं आज के इस वीडियो में। 7 दिसंबर 2016 चित्राल एयरपोर्ट पाकिस्तान, ATR-42 मॉडल का एक विमान जिसे PIA ऑपरेट कर रही थी। ये 2 इंजन वाला प्रोपेलर प्लेन है। प्लेन में 42 पैसेंजर सवार होने लगे, जिनमें से पाकिस्तानी सिंगर जुनेद जमशेद और उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल थी। प्लेन को कैप्टन स्लेह जेंजुआ उड़ा रहे थे। इनकी उम्र 43 साल की थी। वही 40 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर अहमद मसूर थे। दोनों ही काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। प्लेन चित्राल से उड़ान भरने वाला था। ये एयरपोर्ट बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच घिरा हुआ है। सो फाइनली प्लेन के इंस्पेक्शन के बाद 3:38 में ये प्लेन इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरा। नीले आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे प्लेन 13,500 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में प्लेन पर्वतों के ऊपर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। इस्लामाबाद की ATC ने कहा कि आप 9,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब तक प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन 9,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आने लगा। अब ATC इस इंतजार में थे कि कब PIA बताए गए एल्टीट्यूड पर आकर दोबारा हमें कॉल करे। कुछ देर बाद PIA का कॉल आया। ATC को रेडियो पर एक खौफनाक आवाज सुनाई दिया। मेडे मेडे मेडे, हम एक इंजन खो चुके हैं। आई रिपीट, हम एक इंजन खो चुके हैं। ATC ने कहा कि ठीक है, आप एयरपोर्ट की ओर बढ़ते रहिए। तभी एक दूसरे प्लेन के पायलट का कॉल आ गया। ये दूसरा प्लेन भी इसी एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। अब ATC उस प्लेन को गाइड करने में लग गए और फिर दोबारा से PIA को कॉन्टेक्ट किया। प्लीज आप एक बार फिर से कंफर्म कीजिए कि आपके प्लेन का इंजन फेल हो चुका है। कैप्टन ने कहा, हाँ, अभी हम 13,300 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं। ATC ने कहा, ठीक है, आप एयरपोर्ट की ओर बढ़ते रहिए। आप रनवे 30 पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने ट्रांसपोंडर को ऑन कीजिए। अब पायलट का कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अचानक से कैप्टन ने बहुत ही डरे हुए आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे। ATC ने फिर से कहा कि ट्रांसपोंडर को ऑन कीजिए। पायलट ने ट्रांसपोंडर को ऑन कर दिया। फिर भी ATC ये कहता रहा कि आपका ट्रांसपोंडर अभी भी ऑफ है, हम आपको रडार पर लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ट्रांसपोंडर ही एक जरिया होता है जिसकी मदद से ATC अपने रडार पर देख पाते हैं कि प्लेन का लोकेशन क्या है। अगर ये ट्रांसपोंडर ऑन ना हो या किसी वजह से खराब हो गया हो तो रडार में प्लेन दिखेगा नहीं और ATC ये गाइड भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर जाना कहाँ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस डायरेक्शन में। ऐसे में प्लेन को उड़ाने के लिए FMS के द्वारा जनरेट किए हुए वे पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है। प्लेन का फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर ऑटोमेटिक वे पॉइंट जनरेट कर देता है जिस भी एयरपोर्ट में आपको जाना है, लेकिन ये रूट बहुत लंबा पड़ सकता है। अगर किसी प्लेन का इंजन फेल हो गया हो, ऐसे में उसे लंबे रास्ते से ले जाना सही नहीं होता, इसलिए ATC बार बार ट्रांसपोंडर को ऑन करने के लिए कह रहा था। कैप्टन ने कहा, हम विक्टर माइक में है और हमारा ट्रांसपोंडर ऑन है। दोस्तों, वैसे तो माइक नाम की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। ये बेसिकली एयरपोर्ट से एक सेपरेट डिस्टेंस में एक पॉइंट का नाम दे दिया गया है ताकि इन नामों की सहायता से पता चल सके कि प्लेन अभी कहां पर है। इसी तरह से करीब 2 मिनट गुजर गया। एयरपोर्ट के दोनों रनवे को खाली कर दिया गया। अब इंतजार था तो बस प्लेन के आने का। इन 2 मिनट के अंतराल में पायलट कोई भी जवाब नहीं देता। ATC बार बार ये कहता रहा कि रनवे 12 और रनवे 30 खाली है, आप किसी भी रनवे पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर ATC को एक धमाके की आवाज सुनाई दिया और सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन के साथ क्या हुआ, ये कहां क्रैश हुआ, कुछ भी पता नहीं। बस ATC को इतना पता चला कि PIA-661 अब नहीं रहा। दूसरी ओर पर्वत में मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि एक प्लेन कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे, और फाइनली नोज के बल ये धरती से टकरा गया। एक जोरदार धमाका
धमाके के साथ आग लग गई। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि कोई भी लोकल निवासियों के लिए सामने जाना इम्पॉसिबल हो गया। उधर रेस्क्यू टीम एटीसी एम्बुलेंस किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है, कहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ। इस फोटो में आप देख सकते हैं ढेर सारे एम्बुलेंस तैयार तो है रेस्क्यू के लिए, लेकिन इन्हें जाना कहाँ है यही पता नहीं। अब एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया प्लेन क्रैश का पता लगाने के लिए। खैर कुछ देर बाद ये पता चल गया कि ये प्लेन पहाड़ियों में क्रैश हुआ था और इन पहाड़ों पर एम्बुलेंस ले जाना पॉसिबल नहीं था। खैर काफी दिक्कतों के बाद बॉडीज को रिकवर किया गया। ये रिकवरी 2 दिनों तक चली। प्लेन में सवार सभी 47 लोग मारे गए। वैसे तो केस स्टडी वीडियोस में हम पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाते, पर पाकिस्तान के प्लेन क्रैश में ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं कि बिना बताए रहा भी नहीं जाता। पाकिस्तान के सिविल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने खुलेआम ये दावा किया कि PIA में मिसमैनेजमेंट होता है, पूरी की पूरी एयरलाइन करप्टेड हो चुकी है। इवन को पायलट की मां ने ये कहा कि ये प्लेन उड़ने के लायक भी नहीं था, फिर भी इसे उड़ाया जा रहा था। हादसे के 2 दिन बाद कई सारे पायलट्स ने प्लेन उड़ाने से साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि प्लेन में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। अब हम ऐसे प्लेन को नहीं उड़ाएंगे। इस हादसे के बाद पब्लिक भी जान चुकी थी, PIA पूरी दुनिया में जलील हो रहा था। ये सब देखते हुए 6 दिन बाद ही PIA के चेयरमैन अजयम सेगल ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन ने पूरा भार संभाला। खैर आइए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की छानबीन करते हैं। हादसे के कुछ दिनों बाद दोनों ब्लैक बॉक्स के डाटा को रिकवर कर लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्लेन जब 13,375 फीट के एल्टीट्यूड पर था, तब प्लेन के लेफ्ट साइड का इंजन फेल हो गया। देखते ही देखते प्लेन अनबैलेंस होने लगा। ATC और पायलट की बातें सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान हो गए कि कोई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। PIA के पायलट ने मेडे कॉल किया कि हमारा इंजन फेल हो चुका है। इसके बावजूद भी वो दूसरे प्लेन को गाइड कर रहे थे, जबकि उसे PIA के साथ कनेक्ट रहना चाहिए था। इस तरह के इमरजेंसी प्लेन्स को एक अलग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, ताकि कोई भी दूसरे प्लेन के पायलट उस फ्रीक्वेंसी में रेडियो कॉल ना करे और बीच में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ATC ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो एक ही फ्रीक्वेंसी में सारे प्लेन के पायलट से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने PIA 661 को अलग फ्रीक्वेंसी में नहीं रखा। ATC ने कई मिनटों तक PIA से बातचीत किया, पर इस दौरान ATC ने कभी भी ये नहीं पूछा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। ATC को ये समझना चाहिए था कि एक इंजन फेल होने के बावजूद भी मेडे कॉल किया जा रहा है, जबकि ATR का ये विमान सिंगल इंजन में भी फ्लाई कर सकता था। सिंगल इंजन फेलियर में मेडे कॉल नहीं किया जाता, फिर भी PIA के पायलट ने मेडे कॉल किया। इट मीन्स सिंगल इंजन फेलियर होने के अलावा भी प्लेन में और भी कुछ बहुत बुरा हो रहा होगा, पर ATC बार बार ट्रांसपोंडर को ऑन करो, ट्रांसपोंडर को ऑन करो कहता रहा। उसने कभी एक्चुअल मुद्दे पर बात ही नहीं किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने रिकॉर्डिंग को कई बार सुना, लेकिन कहीं भी एक्चुअल पॉइंट पर या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने पर बातचीत नहीं किया गया। अगर पायलट खुद बताते या ATC पूछता तो शायद पायलट को सही गाइडेंस दिया जा सकता था और ये प्लेन कभी क्रैश नहीं होता। चलो मान लेते हैं ATC से गलती हुई, पर आखिर प्लेन में प्रॉब्लम क्या और कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन की टीम को इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों जब कभी भी कोई प्लेन का सुराग ना मिले तो प्लेन का इतिहास निकाला जाता है। PIA 661 के मेंटेनेंस हिस्ट्री से ये पता चला कि इंजन के ब्लेड्स में डेंट था। हो सकता है ये ब्लेड्स टूटकर इंजन के अंदर काफी नुकसान कर दिया हो, पर पुख्ता तौर से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंजन बनाने वाले कंपनी ने पहले ही ये कह दिया था कि इस प्लेन के साथ हादसा हो सकता है। दरअसल ये कंपनी क्लेम करती है कि ATR के इंजन के जो ब्लेड्स है उसकी लाइफ 10,000 घंटा है। इससे अधिक चलने के बाद इन ब्लेड्स में फ्रैक्चर आना शुरू हो जाएगा। लास्ट टाइम PIA का इंजन 2007 में बदला गया था। ऑलमोस्ट 10 सालों तक ये प्लेन उड़ान भरा बिना इंजन के मेंटेनेंस के। साल 2015 तक इंजन के ब्लेड्स को बदला जाना था, पर PIA ने इसे जरूरी नहीं समझा। नए ब्लेड्स लगाने के बजाय उसने स्टोर में पड़े पुराने ब्लेड्स का इस्तेमाल कर लिया, और वो पुराना ब्लेड तो और भी पुराना था, जिसे 1994 में बनाया गया था।
PIAK क्रैश के पीछे सबसे बड़ा कारण था इंजन का मेंटेनेंस ठीक से ना होना। लेकिन फिर एक सवाल मन में उठता रहता है कि प्लेन एक इंजन में भी उड़ सकता था। सिंगल इंजन फेलियर के बाद भी इवन इंजन फेलियर की वजह से ट्रांसपोंडर ऑफ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी ट्रांसपोंडर ने काम करना बंद कर दिया। इससे ये बात जाहिर हो रही थी कि इंजन फेलियर के बावजूद भी कुछ तो प्लेन में हुआ होगा। ये इन्वेस्टिगेशन आने वाले 4 सालों तक चली और फाइनली 18 नवंबर 2020 को फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर दिया गया। इस रिपोर्ट में भी कुछ नया देखने को नहीं मिला, बस लेफ्ट साइड के इंजन में प्रॉब्लम था, ड्रैग बढ़ गया, प्लेन में एक तरफा फोर्स लगने लगा और ये प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में कुछ सवालों के जवाब आज भी पता नहीं चल पाया कि आखिर इंजन फेलियर के बाद ट्रांसपोंडर कैसे ऑफ हो गया, क्यों प्लेन एक इंजन की मदद से उड़ नहीं पाया। हर पायलट को ट्रेंड किया जाता है कि वो सिंगल इंजन के साथ भी फ्लाई कर सके। दुनिया में कोई भी ऐसा पायलट नहीं है जो एक इंजन फेलियर के बाद सिंगल इंजन की मदद से प्लेन ना उड़ा सके। ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो ये थी कहानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 661 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।